देखिए, जहां तक आज की जो डिस्कशन हमारा मनोज सिन्हा साहब से हुआ और एक जो हमारी डिमांड है एक एमएलए सीट की, और जो यकीनन कंफर्म हो गई, उसके लिए मैं शुक्रिया। और साथ में अब जो आने वाले दिनों में जो भी सरकार बनती है वो देखना पड़ेगा, वो किस तरीके से अपना काम निभाती है जम्मू कश्मीर के अंदर। और हमारी पार्टी पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस लड़ने के लिए तैयार है। उसके लिए जो भी लोग, जिन भी साथियों को जो भी लिस्ट सामने आएगा, उनको हम लोग म्युनिसिपल पंचायत के लिए भी, और मुझे पूरा यकीन है आवाम इस बात को भी जरूर समझेगी कि जो मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस से दिए थे आपने, चाहे उसमें आप लोगों का 370 आर्टिकल की बात की हो या पावर की बात की हो, जबकि ये दोनों चीजें बिल्कुल नामान्य हैं। और ये हम जानते हैं कि एक भी काम जो भी इनका मैनिफेस्टो में था वो पूरा नहीं हो पाएगा, ज्यादा नहीं 15 दिन इंतजार करिए, आवाम को खुद समझ आएगा कि उनका फैसला सही था या गलत था। पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, और जहां तक मुझे पावर्स की जो मेरे पास नॉलेज है, एक भी काम करके देता है तो मैं इस्तीफा देता हूं पॉलिटिक्स में।